हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉपिक स्टडी चैनल पर। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं 19 नवंबर के करंट अफेयर्स। एंड दिस कोर्स इज़ फॉर जितने भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंस है, आप जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप सबों के लिए ये हेल्पफुल है। एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाई मी, नैना दुबे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हमने पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों के सबके जवाब सही थे। ये असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो आप सबके आंसर सही थे। तो चलिए आज मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ कि पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सीमा शुल्क संगठन की 4 दिवसीय क्षेत्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो, हम ये जान लेते हैं कि विश्व सीमा शुल्क संगठन जो है ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ये होता है 26 जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व सीमा शुल्क संगठन की 4 दिनों की बैठक हुई है और ये किस देश में आयोजित, किस शहर में आयोजित हुई थी हमारे भारत में। तो ये है जयपुर। तुम्हारा ऑप्शन हो गया सी, जयपुर। देखिए अगर हम बात करें ना विश्व सीमा शुल्क संगठन की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एंड ये जो क्षेत्र बैठक हुई थी इसमें 33 जो सदस्य देश है, पार्टनर कंट्री है, उन्होंने हिस्सा लिया था। इन्होंने बात की कि सीमा शुल्क में जो क्षमता निर्माण है या सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हमें देखना है कि ये हुई कहाँ थी। ये जयपुर में हुई थी और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता था। ये दो चीज़ हम याद ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है जो सूर्य के तापमान से 6 गुना ज़्यादा तापमान तक पहुँच सकता है। तो ये है चाइना। हमारा ऑप्शन हो जाता है ए चाइना, जिसने एक आर्टिफिशियल सन बना दिया है जो नेचुरल सन से भी इसका तापमान जो है 6 गुना ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में किस देश में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया गया है। तो हम सभी जानते हैं हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं और उन्होंने, क्वेश्चन में है कि हमें बताना है कि वो कौन सा देश है जहां उन्होंने, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो हमारे भारत के जितने भी सैनिक मारे गए थे तो उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने एक स्मारक बनवाया है और ये देश है फ्रांस। तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है ए फ्रांस। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2018 को कहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज लॉन्च किया। अगर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, तो मोदी जी हमारे सिंगापुर की यात्रा पे थे, तो उन्होंने वहाँ तो बहुत सारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, लॉन्च किया है, बट हाँ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज भी उन्होंने सिंगापुर में लॉन्च किया है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है डी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत और किस देश ने ISIS से आतंकवादी साझेदारी के तहत संयुक्त रूप से खतरों से लड़ने के लिए प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता और रक्षा सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने एक समझौता किया है आपस में जिसमें उन्होंने साइन किया है और ये दो देश है, एक तो हमारा भारत है और भारत ने, और किस देश के साथ मिलकर, वो देश कौन सा है जिसने वो मतलब संयुक्त रूप से खतरों से लड़ने के लिए वो तैयार रहेंगे उसमें आतंकवादी से। तो ये देश है मोरक्को। तो इन्होंने, भारत और मोरक्को ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है ए मोरक्को, ठीक है मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, भारत और वो कौन सा देश है जिसकी जो नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 12 से 18 नवंबर 2018 तक आयोजित किया गया था। तो इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि वो दो देश है, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच में होता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, तो हमें ध्यान रखना है समुद्र शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई थी 12 से 18 नवंबर तक, ठीक है। तो कल ये ख़त्म हुआ है समुद्र शक्ति और ये 12 तारीख को स्टार्ट हुई थी। ये बायलेटरल एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय अभ्यास, ठीक है, दो देशों के बीच में। तो एक तो भारत हो गया और एक हमारा है इंडिया। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत और किस देश के बीच 18 नवंबर 2018 से संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2018 आयोजित की जाएगी। इस क्वेश्चन में मैं बात कर रही हूँ कि 18 नवंबर मतलब कल
से ये एक्सरसाइज इंद्र 2018 जो है ये स्टार्ट हो गई है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है भारत और किस देश के बीच में, तो ये है रूस, रूस और भारत हमारा इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज इंद्र जो है कल से स्टार्ट हुई है। तो याद रखना है कि अगर एक्सरसाइज इंद्र की बात करें तो ये इंडिया एंड रूस के बीच में हुई है, तुम्हारा ऑप्शन हो गया डी रूस, ठीक है। और अगर बात की जाए कि समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच में हुई थी, तो ये है भारत और इंडोनेशिया। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। गृह मंत्रालय ने किस शहर से दो आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया है? तो देखिए गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो शहर है ना, ये है त्रिपुरा, तो हमारा ऑप्शन तो हो जाता है बी त्रिपुरा। एंड अब देखिए ये शहर तो हो गया त्रिपुरा, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा में ये दो आतंकवादी जो समूह है उस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। और ये जो दो समूह है, एक तो है राष्ट्रीय लाइब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड द सेकेंड वन इज़ ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। इन दोनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो ट्रिब्यूनल स्थापित की गई है ना, उस ट्रिब्यूनल को जो का जो नेतृत्व करेंगे वो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कांत करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी याद रखनी है, बट हाँ ये बस ध्यान रख लीजिए कि वो कौन सा शहर है जहाँ ये दो आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगर त्रिपुरा की मैं सीएम की बात करूँ तो ये है बिप्लब कुमार देव और वहाँ के गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार और एडीबी ने किस राज्य में जल विद्युत ट्रांसमिशन का समर्थन करने के लिए $105 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब ये समझ लीजिए कि भारत सरकार को एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इन दोनों ने आपस में समझौते किए हैं ताकि उस राज्य में वो जल विद्युत ट्रांसमिशन का और वो मतलब उस पर वो काम काम करे, उसके लिए $105 मिलियन के लिए वो ऋण देने को तैयार है। कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये राज्य कौन है? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ट्रांसमिशन का काम होगा, इसमें भारत और ने जो लोन लिया है वो एडीबी बैंक उसे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका ऑप्शन था बी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2018 के शब्द के रूप में किसकी घोषणा की है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है ना, ये पर ईयर एक वर्ड निकालता है जो सबसे ज़्यादा खोजा गया होता है, मतलब वो पूरे साल में। तो इस साल जो उन्होंने निकाली है, जो वर्ड की उन्होंने घोषणा की है 2018 के वर्ष के रूप में, वो है टॉक्सिक। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए टॉक्सिक, और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा निकाला जाता है। देखिए जैसे 2017 में था यूथ केक, 2016 में था पोस्ट टूथ, ये सारी कुछ वर्ड थी। 2018 का आपको याद रखना है वो है टॉक्सिक, योर ऑप्शन इज ए टॉक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हमने सेलिब्रेट किया है 17 नवंबर को, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मिर्गी एक तरह की बीमारी होती है ना, तो उसके रोकथाम के लिए या उसमें जागरूकता फैलाने के लिए भी ये हमारे भारत में सेलिब्रेट होता है मिर्गी दिवस, तो ये भी हुआ है 17 नवंबर को, 17 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाता है हमारा ए 17 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम कब मनाया गया? WDOR दैट इज वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम कब मनाया गया? तो ये हमने सेलिब्रेट किया है 18 नवंबर को, बट ये ऐसा नहीं है कि ये हर बार 18 नवंबर को पड़ता है। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि हर वर्ष नवंबर का जो तीसरा रविवार होता है ना, अब वो जो भी डेट पे पड़े, जो नवंबर का तीसरा रविवार आता है उस दिन वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम को मनाया जाता है। वैसे तो ये 1993 में ही स्टार्ट हुआ था, मगर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे 26 अक्टूबर 2005 में मतलब वैश्विक दिवस के रूप में मनाने का समर्थन मिल गया था। बट ये सब बातें ध्यान नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रख लीजिए कि इस साल हमने इसे 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया है, 18 नवंबर को, पर ये हुई कब थी? ये ऐसे तो हम नवंबर के तीसरे रविवार को इसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मैंने बताया 17 नवंबर, और राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मैंने बताया है 17 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कोविंद CII एग्रोटेक का उद्घाटन कब करेंगे? देखिए CII एग्रोटेक है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। और हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा, तो क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा है कि इसकी उद्घाटन कब होगी,
बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो ना कि CII एग्रोटेक आखिर है क्या. देखिए CII एग्रोटेक, CII तो वही है आपकी भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, उसके द्वारा ये आयोजित हुई है एग्रोटेक. एग्रोटेक क्या है ना, एक तरह का द्विवार्षिक 4 दिनों का कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार मेला है, ठीक है. और इनका थीम है कृषि में प्रौद्योगिकी, किसान की आय में वृद्धि, इस बार का ये थीम है. और एग्रोटेक समझ में आ गया क्या है, एग्रोटेक है 4 दिनों का कृषि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक व्यापार मेला, जिसका उद्घाटन करने वाले हैं हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी. एंड ये CII जो कि उद्योग भारतीय उद्योग परिषद के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है, तो ये होगा 1 दिसंबर को. तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, 1 दिसंबर 2018. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने विश्व डिजिटल सामग्री बाजार 2018 के 2 दिन के सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर में की है. तो देखिए औद्योगिक नीति और संबंधन विभाग ने ये जो 2 दिनों की मेज़बानी की है वैश्विक डिजिटल सामग्री बाजार 2018 को लेकर, ये किया है इन्होंने दिल्ली में. तो हमारे ऑप्शन तो हो जाते हैं ए दिल्ली, दिल्ली के देखिए दिल्ली में जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है ना, वहाँ ये हुआ है. और ये इसका सेकेंड एडिशन था. फर्स्ट एडिशन की हम बात करें तो ये हुआ था जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. इनका एम था कि उद्योग के जितने भी हितकारक हैं उन्हें एक साथ लाना, या संगीत हो गया, गेम हो गया, या जितने भी रचनात्मक उद्योग होते हैं ना, उन्हें एक नए रास्ते पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना. तो ये सारी चीज़ें पर ध्यान ही देना है. ये बहुत डिटेल हो गई है, जो आप UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो आप उस डिटेल में जा सकते हो. अदरवाइज़ आपको बस इतनी ध्यान रखनी है कि ये जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है उनके द्वारा जो वैश्विक डिजिटल सामग्री हुई थी बाजार 2018, ये दिल्ली में हुई है. बस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ओयो होटल ने 1 दिसंबर 2018 से भारत और दक्षिण एशिया परिचालन के लिए किसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है. तो ओयो होटल के द्वारा जो कार्यकारी नियुक्त हुए हैं उनका नाम है आदित्य घोष. तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए आदित्य घोष, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. किसको ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है. तो देखिए ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड जो है ना, ये मिला है डॉक्टर सरोज सुमन गुलाठी को. तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए डॉक्टर सरोज सुमन गुलाठी. देखिए दुबई में जो भारत संयुक्त अरब अमीरात में जो भागीदारी शिखर सम्मेलन चल रही है ना, उसका दूसरा एडिशन में इन्हें ये एजुकेशन लीडर अवार्ड से नवाजा गया है. तो हमारे ऑप्शन क्या थे, ए थे डॉक्टर सरोज सुमन गुलाठी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. किस भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल ने 14 नवंबर 2018 को टॉल शिप्स सेल टुगेदर अभियान को ध्वजांकित किया है, मतलब उसे अभियान को स्टार्ट किया है ध्वज को लहराकर. तो ये है भारतीय नौसेना के एडमिरल और उन्होंने 14 सितंबर को ये किया है, टॉल शिप्स सेल टुगेदर का अभियान को जारी किया है. तो ये है सुनील लांबा, ठीक है. तुम्हारा ऑप्शन हो गया बी सुनील लांबा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. किस राज्य में श्री रेणुका जी मेला शुरू हुआ है. देखिए रेणुका जी मेला जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है 18 कल ही शुरू हुआ है ये. तो हमारा ऑप्शन तो हो जाता है बी. पूछा जा रहा है कि किस राज्य में श्री रेणुका जी मेला शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है. अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है ना, कि भगवान परशुराम है और उनकी माँ जो माँ भगवती रेणुका जी को समर्पित ये एक धार्मिक सभा होती है. एंड वहाँ की जो सिरमौर जिले हैं हिमाचल प्रदेश की, वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी ये दर्शाता है. तो बस ध्यान ये रखिए कि श्री रेणुका जी मेला, रेणुका नाम क्यों है, क्योंकि परशुराम जी जो भगवान थे उनकी माँ का नाम भगवती रेणुका, तो वो उन्हीं को समर्पित है उन दोनों को, ठीक है. तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 2019 की शुरुआत में गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन जाएंगे. तो गूगल क्लाउड जो है 2019 जैसे ही स्टार्ट होगा तो गूगल क्लाउड के CEO जो बनेंगे उनका नाम है थॉमस कुरियन. तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है सी थॉमस कुरियन, ठीक है. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 19 नवंबर के. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. वहाँ आप देख सकते हो टॉपिक स्टडी के बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है. एंड अगर आपको ये वीडियो आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप इस बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो. थैंक यू सो मच.